उधम सिंह नगर जिले में एसएचओ द्वारा युवती से अश्लील बातें करने का मामला शांत तो होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि एसएचओ द्वारा युवती से अश्लील बातें करने का ऑडियो वायरल होने के बाद जिले के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। अब किच्छा विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निलंबित एसएचओ राजेंद्र सिंह डांगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि उन्होंने बारिश के बीच एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। दरअसल पिछले दिनों थाना प्रभारी का एक युवती से अश्लील बातें करते हुए ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद किच्छा विधायक ने थाना प्रभारी के खिलाफ डीजीपी अभिनव कुमार से लिखित शिकायत की थी। वहीं एसएसपी ने मामले की जांच कर आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का दावा किया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है और इससे नाराज विधायक तिलकराज बेहड़ ने तेज बारिश में छाता लेकर धरना दिया, जिसके बाद किच्छा विधायक से मिलने एसएसपी मंजूनाथ टीसी धरना स्थल पर पहुंचे। साथ ही साथ आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिस पर आश्वासन मिलने के बाद विधायक धरने से उठ गए। रुद्रपुर से मुकेश की रिपोर्ट। सकारात्मक बातचीत हुई है और उसमें जो हमारी एक बात थी कि जो पीड़िता जिसके साथ एसओ ने डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है उस पे उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है, सस्पेंशन की हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जांच करके एफआईआर करेंगे, उसका उन्होंने भरोसा दिलाया जांच के दौरान। और दूसरा, जो पीड़िता की जो 7 तारीख की एफआईआर थी जिसको लेकर सारा मामला शुरू हुआ है, पीड़िता की तरफ से जो 7 तारीख उनके घर पे जो हमला हुआ, लोग घुसे घर पे, उसका मुकदमा कायम कर दिया गया। एक गीता का मामला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे इसको कि उसके साथ जिन लोगों ने अभद्रता की है, एससी महिला है, तो सारे मामले हमने रखे हैं। एसएसपी का कहना है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, हम उसकी जांच करा रहे हैं, बयान करा रहे हैं और उसके बाद अगली कार्रवाई भी हम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जी, ये लोकतंत्र है, माननीय किच्छा विधायक महोदय को तिलकराज बेहड़ जी है तो उनको कुछ बातों को लेके, कार्रवाई को लेके, वो कुछ मांग को लेके वो आए थे और अपने सपोर्टर्स के साथ जो है धरने पर बैठे। तो उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पहले ऑफिस में आके बात मतलब अच्छे ढंग से बातचीत हो जाएगी, वहाँ पर ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको अवगत कराया है। तो यही है जो बीते दिनों में चल रहा है, वो जिसमें पंतनगर एसएचओ को एक पुराना ऑडियो जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो के संबंध में हमने ऑलरेडी सस्पेंशन की कार्रवाई करे थे। उस मैटर में ये चाह रहे थे कि और भी लीगल एक्शन हो जाए करके, इस संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि बिल्कुल जांच चल रही है और साथ में ही अतिशीघ्र मतलब अतिशीघ्र आपको लीगल एक्शन के बारे में भी पूरा अवगत किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर टफ एक्शन लेने का हमने बता भी दिया है कि जो हमारा दावा भी है, जो हमारा कमिटमेंट भी है।